हाँ जी कैसे? अच्छा हुआ आप आ गए भैया जी, बचा लीजिए मुझे, मैं परेशान हो गई हूँ इससे। परेशान हो गए? लड़का मिल गया ना तुम्हें? अरे लड़का तो मिल गया, पता है देखिए मैं बताती हूँ शुरू से स्टार्टिंग से बात क्या हुआ है। मैंने कॉन्टेक्ट नंबर दे रखा था, मैंने इनसे कॉन्टेक्ट किया। हाँ काफी सारे मैसेज आए थे मैंने देखा उसमें, नंबर लोगों ने कहा कि हम शादी करेंगे हम शादी करेंगे। इन्होंने भी ऐसे नंबर दिया था तो मैंने इनसे कॉन्टेक्ट किया, देखने में तो ये अच्छे लगे लेकिन अब मेरा ना इनसे जिंदगी तबाह हो गई है। मैं क्या हो गया, कैसे चिल्ला रही है तू? क्या चिल्ला? एक सेकंड, हेलो एक सेकंड, फिर क्या हुआ, दिक्कत क्या? लड़का तो अच्छा है, अच्छा स्मार्ट लड़का है। अरे लड़का अच्छा है देखने में, मैं भी तो इसी चीज में मैं घुल गई इनसे, मैं भी इसी चीज को पसंद की लेकिन पता है ये क्या, ये तो एक गे है। क्या बोल रही है तू, पागल हो गई क्या? तो तुम अभी किसके साथ रहती हो, अकेले रहती हो? आप कौन हो भैया, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं कौन हूँ, जो वीडियो देख के कमेंट किया था वही हूँ मैं। अच्छा आपकी वीडियो थी? हाँ मेरी वीडियो थी। तो भैया पैसे बता लो भाई। तू चुप हो जा, एक बात बताओ, ये लड़की है इसकी मैं हेल्प ही कर रहा हूँ, इसकी मदद कर रहा हूँ, तो इसमें बुराई क्या है बताओ? मैं इसको सहारा दे रहा हूँ। एक सेकंड मेरी बात सुनो, मेरी बात, आप शादी करना चाहते हो उससे? हाँ बिल्कुल करना चाहता हूँ, बट आप ये तो देखो कि आपके जो सेक्सुअल है वो चीज अलग है आपकी। अरे नहीं भैया, वो आपको कुछ गलत फहमी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं सब। वो दिख रहा है आपकी हरकतों से भैया, वो आपकी हरकतों से दिख रहा है वो। अरे नहीं भैया देखो, आप तो देखो सुनो, ये लड़की थी, मैंने इससे बात की, ठीक है मैंने इससे बात की, इसको मैंने सहारा दिया, इसको मैंने अपने फोटो, उसने बोले फोटो भेजो, तो मैंने इसको फोटो दिए, तो इसको मेरे फोटो भी पसंद आ गए, ठीक है मुझे ही पसंद आ गई, तो मैंने सोचा चलो ठीक है अच्छी लड़की बेचारी, और फिर वीडियो देखा तो मैं तरस खा के मैं चलो ठीक है से शादी करने के लिए मैं यार तरस नहीं खाना था भाई, सुनो मेरी बात एक सेकंड तरस नहीं खाना था, अगर आपको जेन्युइन शादी करनी तो आप आते हो। देखो आपकी लाइफ अलग है, वो एक लड़की है ठीक है, उसे लड़कों में इंटरेस्ट है, आप गए हो आप समझो, आप सुनो मेरी बात सुनो गलती नहीं है आपकी, देखो आपकी गलती नहीं है बट आपका क्या है, आपको आपका अलग जेंडर है ठीक है, आप इसके साथ या ये आपके साथ लाइफ नहीं बिता सकती। देखो सीधी सी बात है, मुझे ऐसे तो कोई लड़की पसंद आती नहीं है, ठीक है पहली बात है, आज तक मैं इतना बड़ा हो गया आज तक मुझे कोई लड़की पसंद नहीं आई, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मुझे ये लड़की पसंद आई, मैं इससे शादी करना चाहता हूं, तो पता है इसको बुरा। अच्छा एक सेकंड तुमने इसके साथ कुछ गलत काम किया? नहीं किया ना? मगर किसी लड़की के साथ नहीं करता, नहीं किया ना लड़की के साथ तूने गलत काम? साथ नहीं करता। जब तू लड़की के साथ गलत काम नहीं किया तो ये लव बाइटें कहाँ से आ रही हैं? ये हैं, ये कहाँ से आ रही हैं? वो हैं लड़कों के साथ किया ना तूने? नहीं वो मेरा दोस्त था, वो हम थोड़ा मजाक मस्ती कर। देखो मेरी बात सुन, मेरी बात, इसने मुझे इसलिए बुलाया है, कोई जोर जबरदस्ती मत करो ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, शादी जबरदस्ती नहीं होती है, सुनो जब वो नहीं रहना चाहती ना तो निकलो यहाँ से। अरे नहीं भैया मैंने क्या कहा, जब वो नहीं रहना चाहती तो निकलो, आपसे बात नहीं कर रहा मैं, इसी बात करो बात, मुझे अच्छी लगी है यार पहली बार, दूर रह के बात करो भाई, ओ भाई ओ भाई ओ टच मत कर, मैं आपको कुछ नहीं बोल रही हूँ, आप बहुत अच्छे हो लेकिन आप अपने लाइफ में, मैं अपने लाइफ में अच्छी हूँ, तो तेरे तो फायदा ही हो रहा ना तेरा, तो तू ये नहीं देख रही क्या? सुनो मेरी बात, सुनो हेलो एक सेकंड मेरी बात सुनो, आपको नहीं, एक सेकंड रुक जाए, आपको नहीं रहना इसके साथ, नहीं रहना ना नहीं भाई, जाओ आप और इससे कांटेक्ट नहीं करना भैया, नहीं देखो ये ऐसे नहीं होता, मेरे को प्यार समझा रहा, समझ में नहीं, चले यहां से भैया, गलत बात है, नहीं मैं चले प्यार समझा रहा, चले आप देख लो, अच्छा नहीं है जो आप कर रहे हो, मैं तुझे बताऊंगा, तुझे बाद में बताऊंगा, तुझे मैं फोन मत कर दियो आज के बाद, चले यहां से फोन मत कर दियो, और आप जब पता है आपको ऐसा, फिर क्यों रह रहे हो आप इसके साथ? तो आपको मुझे पहले बताना चाहिए था ना, आपको मुझे ये सब चीजें, मेरा फोन उन सारे ले लिया है, मेरा फोन भी उसी के पास है, तो तूने बताया कि नहीं मुझसे फोन अभी मैं फोन दिलाता हूँ उससे, हैं फोन दिलाता हूँ मैं उससे, कोई बात नहीं, और बाकी तुम अपने घर क्यों नहीं जा रही हो, घर जाओ ना, अपने घर नहीं जा सकती हूँ, मेरे माँ बाप नहीं जाने देंगे, वहाँ रहने नहीं देंगे, मैं नहीं जा सकती, हर किसी का कमेंट ये आ रहा कि ये घर जाओ घर जाओ, देखो या तो घर चले जाओ, मैं घर नहीं जा सकती, तो तुम चाह क्या रहे हो, क्या चाह रही हूँ कि मुझे कोई अच्छा सा मिले जिससे मैं सेटल हो गया अच्छे से जाऊँ, ताकि गाँव में भी मेरे माँ बाप की बदनामी ना हो, वो बोले कि चलो बेटी ने अच्छा किया शादी वादी कर लिया घर बसा लिया। तुम सेटल होना चाहती हो? जी सेटल होना चाहती हूँ। हैं? जी तो सेटल होके तुम मतलब गांव घर चल जाओगी? हाँ हाँ मैं फिर घर जाऊंगी, घर जाओगी अपने माँ बाप से मिलने। देखो मेरी बात मानो तुम ना, आप घर ही चली जाओ ऐसे ही समझी। हाँ इधर आओ थोड़ा सा, इधर आओ देखो उसे कहाँ तरफ फोन लेके क्या हुआ है वो, मेरा उनसे फोन आओ जरा दिलवा दीजिए, आओ जल्दी फटाफट, इधर आओ, कहाँ है वो, अरे इधर आओ, इधर आ भाई, इधर आ जल्दी, इधर आ, फोन निकाल, फोन निकाल, भैया इसका फोन दे,
फोन दे इसका, ये यार आपका फोन, चल निकल। अरे भैया चल यहाँ से, इसका फोन निकल साले, बट भैया साले यहाँ सीधा, चूतिया छुप छुप के देख रहा है वहाँ से। फोन मिल गया आपका? हाँ मिल गया। देखो आप मेरी बात मानो तो चले जाए यहाँ से। मैं अभी नहीं जाना चाहती हूँ यार, मैं सोची थी कोई अच्छा सा, ये देखने में बहुत अच्छा था लेकिन मुझे नहीं पता था ऐसा निकलेगा, गे निकलेगा। फिर आपको क्या करना है? मुझे सेटल होना है, कितनी बार बोलूं? आपको शादी करके ही घर जाना है? हाँ। मैं क्या करूँ बताओ, मैं आपकी वीडियो बनाई, इतने सारे लोग आए, आपने लोगों से बात करी थी? करी थी मैंने, मुझे जो अच्छे लगे मैं उन सबसे करी थी, लेकिन कोई कुछ बोला, मुझे एक ये पसंद आया था, आई लव यू सलव यू बहुत कुछ बोल रहा था, मैं प्यार करूंगा, बहुत ऐसे बातें की, तो मैंने कहा चलो अच्छा है लड़का। तो गाइस इस वीडियो को फिर से शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं नए लोगों के पास अगर ये वीडियो जाते तो प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में नंबर डालो, ठीक है? ये लड़की बात करेगी उनसे, शादी अगर कोई करना चाहता है इससे, या आपका कोई फ्रेंड हो, आपका कोई फैमिली छोटा भाई, तो लड़की तो देखो बहुत अच्छी है, ठीक है, एज भी इसकी 18 से ऊपर है, तो अगर कोई शादी करना चाहता है तो इस लड़की की शादी कर लो अभी। वो जो लड़का इसे मिला उस सही है, तो इसकी ज़िंदगी बच गई। मैं तो यही कहूँगा, देखो आपने पहले भी इसकी मदद करी, आपने वीडियो शेयर की, कई सारे नंबर आए, इसकी बात हुई लोगों से, तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करो ताकि ये वीडियो आगे तक पहुँचे, ऐसे बंदे के पास पहुँचे जो इसकी लाइफ में सेटल हो सके। ठीक है, और कुछ कहना चाहती हो ये बोल दो। बस मैं यही कहना चाहती हूँ और एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज ऐसे लोग ना आए मेरे पास, प्लीज मेरे से मतलब फेक बन के ना आए, जो भी हो जनरल बताए मुझे कि हाँ क्या है क्या नहीं है, फिर आप मेरे पास आए, मेरे से शादी करें, आप जैसे भी हो, गरीब हो या फिर ये हो, मुझे दो वक्त खाना मिल जाए, एडजस्ट कर लोगी बस, दो वक्त की रोटी और कपड़ा खाना बस इतना ही चाहिए मुझे। और अभी कहाँ रह रही हो तुम? अभी मैं दिल्ली में ही रह रही हूँ, रूम पे रूम। अच्छा, रूम लेके, हाँ। फिर खाना खर्चा कैसे चल रहा है? बस मांग चुंग के हो जाता है, अब क्या करूँ मैं यार। गाइज ये प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो शेयर करो, कोई अच्छा बंदा हो तो इसे मिल जाओ ताकि ये इन चीजों में ना पड़े, आज ये मांग के खा रही है कल को पता नहीं कोई गलत काम ना करने लगे, तो मैं तो यही कहूंगा ऐसा तो नहीं करूंगी भाई, चाहे भली मांग के खाना पड़े। चलो ये भी शुक्र है ऊपर वाले का, मतलब ये ऐसा सोच रही है ये। तो बाकी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और कमेंट बॉक्स में नंबर जरूर छोड़ के जाना ताकि ये बंदे को मिल सके, ऐसे बंदे को जो कि इसे सेटल कर सके। चलो देखो, ठीक है, ये वीडियो को देखना, कमेंट में नंबर आएंगे, आप बात करना लोगों से, ठीक है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।